जिंदाबाद। सिटी गांव में सभी यहां आज के पार्टी के नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है और सभी यहां के निवासी माताएं बहने बुजुर्ग साथी नौजवान युवा हमारे जितने भाई यहां उपस्थित हैं सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बड़ा प्यार और आशीर्वाद और जो समर्थन दिखाया है इसके प्रति आप सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय मनोहर चौधरी जी का जो कोरोना के चलते हुए देहांत हुआ उनको लेकर के हम श्रद्धा के समान अर्पित करते हैं और साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि उपचुनाव होने जा रहा और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव लगभग 4 साल का अधिकार बाकी यहां से हमारे प्रत्याशी आदित्य लालू जी ने जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अमित शाह जी के हाथों पर और हम लोग सब लोगों को मिलकर एक आदमी को छूटना नहीं है इसमें सब लोग गोलबंद हो जाएंगे और लालटे छाप पर बखत दबा करके अमित शाह जी को विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम कुछ हम कहेंगे संजय जी भी उम्मीदवार हो गए हम लोग को एक होना है हम लोग का दूसरा लड़ाई है हम लड़ाई लड़ना है जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे पटी वगैरह लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं अरे भाई मेरा आपका सवाल नहीं ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है उसके भविष्य का सवाल है बिहार के विकास का सवाल है इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए और उन्होंने इसको व्यवहार प्रकट कर सकते उन्होंने नामांकन जो है वापस लिया और हमारे साथी कहां जसीन जी ये भी खड़े हो गए भाई आप लोग सब लोग खड़े मत हो आपको गरीब का राज बनाना ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है तो हम यही कहेंगे अब देखे बीज जी जिलाध्यक्ष है हमारे कुशवाहा जी यहाँ से आए हैं विधायक आपके निहाल साहब है रफीगंज के विधायक हैं सब लोग हम लोग जो है आए हैं जयप्रकाश जी साथ में है सब लोग अरुण शाह जी को विजय बनाने के तो आप लोगों से हम उम्मीद करके जाए ना कि यहाँ से पूरा पंचायत से आप लोग मीटिंग कराइएगा दोनों हाथ उठा करके बता कर धन्यवाद देते हैं और फिर से नसीब साहब का सत्य जी का धन्यवाद देते हैं तो देखिए ये अनुप शाह जी हैं जिनको विजय का मतलब धन्यवाद है बाजी अरुण जी का
आगे बढ़ाए जी, आगे से आगे 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 से आगे आगे से बढ़ाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद।